जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी रांची स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जीवे 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया और शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के 60 दिन पूरे हो गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत 60 दिनों के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवी 24 न्यूज।